सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और निकलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट की ओर। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मामा लोग चले गए रायपुर। तो चलो चलते हैं। चलिए सर, ताला वगैरह देख लो। तो चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस ये अपना बलेनो, अब चलते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो ऊपर में पहाड़ ऊपर मंदिर है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। डोंगरगढ़ जैसा दिखता है हमें, डोंगरगढ़ जैसा दिखता है। और इसमें 500 श्री होता है गाइस, और डोंगरगढ़ में 1000। इसमें मेरी मम्मी गई थी अभी एक हफ्ता 15 दिन पहले, तो गिनी थी 520 या कुछ ऐसा था, और डोंगरगढ़ में 1020 है। तो टोटल डोंगरगढ़ से आधा कम है, लेकिन मंदिर सेम वैसी है गाइस। देखो पहाड़ दिख रहा है ऊपर से, पूरा सेम वैसी है। बस बात यह है यहाँ कोई आया नहीं है ज़्यादा, आदमी जानता नहीं यहाँ को गाइस, इसी कारण यहाँ ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा है गाइस। जंगल है ना, उसके चलते थोड़ा नहीं दिख रहा है। हो सके तो हम लोग भी अभी साइड की तरफ, अब साइड जाके ही आपसे मिलते हैं। बीच में आपको सफर का अपना दिखाते हैं। आज तो ऐसे हम लोग पहला दिन अकेले जा रहे हैं, तो हो सकता है रोड थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकता है गाइस। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है दिक्कत। ये अपना कॉलोनी का, आप भी थोड़ा याद रखना भाई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख के समझना किधर जाना है। ठीक है, यहाँ पर कभी गार्ड नहीं रहता है गाइस। गार्ड रहता है लेकिन वो पूछता नहीं है। वही तो, तू काहे का गार्ड, कुछ भी हो जाए तो। वो तो सही चीज है, सेफ्टी पे ध्यान नहीं रखता है ना। तो गाइस आप लोग जंगल का व्यू देखो। हम लोग अभी जंगल में एंटर कर चुके हैं फिर से। पूरा जंगल एरिया है, रास्ते हैं, और इससे बड़ा और खतरनाक रास्ता आएगा जो ऐसा डामरीकरण नहीं हुआ है। खतरनाक व्यू है, पूरा जंगल में है। इधर भालू भी निकलता है, ऐसा पोस्टर लगा इधर। यस, तो उससे ही बच के रहना है। रात को ज्यादा मतलब ज्यादा रात लोग आने हाँ। नहीं करते हैं क्योंकि भालू का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाएगा रात में। भालू और हाथी का भी शिकायत आ रहा था, हाथी भी आता है ऐसे करके, लेकिन देखे नहीं है ना, देखने को भी ना मिले। हम लोग को यहीं से राइड करना है गाइस, देखना गाइस कैसा रोड आएगा। उसके बाद ये अपना रोड चेंज हो जाता है पूरा। ये देख सकते हैं इधर से पूरा मिट्टी का रोड आ गया, कच्ची रोड आ गया पूरा। और यही फैक्ट्री बन रहा है गाइस 400 एकड़ में, यहीं से स्टार्ट है। अभी बहुत दूर जाना है, उधर और बहुत लंबा है। लंबा है गाइस, बहुत ज्यादा लंबा। ये पूरा है, यही बाउंड्री जो है ना वो पूरा कंपनी का है 400 एकड़ में। तो चलते हैं गाइस फैक्ट्री। तो गाइस हम लोग फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, यही है फैक्ट्री। अब यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं उधर जिधर काम चल रहा है उधर। तो गाइस अभी लंच टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास, कार के पास, क्योंकि भूख तो लग नहीं रहा है। पानी वगैरह पियेंगे और गाड़ी में ही थोड़ा, तो शाम को नाश्ता कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, अगर भूख लगता है तो शाम को नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और ये समोसा शायद मिलते हैं, समोसा और क्या बोलते हैं आलू बुंदा। आज तो कैंटीन बंद है यार। क्यों पता नहीं, लॉक था। नहीं नहीं नहीं, कैंटीन बंद नहीं रहता जी, कैंटीन चालू होगा, अभी खुल गया होगा जाके। ऐसा क्या, तो ठीक है गाइस कार के पास चलते हैं। कंपनी का फुल व्यू दिखाओ यार पूरा, इधर फुल व्यू देख सकते हो गाइस। ये रहा बहुत बड़ा कंपनी है गाइस, यहाँ पे अपना बड़ा बड़ा क्रेन लगा है, देख रहे हैं गाइस। देख रहे हो गाइस कितना बड़ा बड़ा क्रेन वगैरह है, हर एक चीज। तो ठीक है गाइस मिलते हैं, कार में जाते हैं। नीचे दिखाओ ना डस्ट। हाँ डस्ट देखो गाइस, ये देखो कितना डस्ट है, इतना डस्ट है। आदमी यहाँ दूर दिन क्या 2 घंटे में आके पूरा नहा धोवा के आओ और ब्लैक होके जाओ, बस यही काम है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कार पर, और आज तो मामा और
एक और मामा जो ड्राइवर मामा था वो तो चले गए और बचे हैं हम दोनों। तो अभी बच चुके हैं पूरे पूरे 6:30 हो चुका है और अभी निकलते हैं घर। तो आप कुछ बोलना चाहते हो सर? बहुत ही मेरे को थकावट टाइप का लग रहा है गाइस, क्या करेंगे अब, जरूरत है तो आए हैं। गाड़ी ही बहुत गंदा हो चुका है, इसको भी पोछना है, समय नहीं मिल रहा है गाइस। पूरा अंदर से गंदा हो चुका है, इसको अच्छे से धुलवाना पड़ेगा लगता है। तो अभी हम लोग फैक्ट्री में ही हैं गाइस, अभी निकल रहे हैं घर। तो चलते हैं पीछे तरफ गाइस, और भूख भी लग रहा है तो चलते हैं घर, चलते हैं कुछ खाएंगे। देख सकते हो गाइस कितना धूल डस्ट है यहाँ पर, और अभी आगे में गाड़ी चेक होगा। यहाँ पूरा सेफ्टी से गाड़ी वगैरह अंदर किया जाता है, पूरा चेक वगैरह होके। तो यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चेक करवाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस आज ये रोड चेंज हो गया, देखो आज दिन भर में मतलब चेंज हो गया। इसमें पूरा डस्ट टाइप का था, गिट्टी वगैरह, और आज पूरा मट्टी से पूरा बराबर कर दिया है रोलर चला के, तो मस्त बन गया है। अभी चेंज हो गया आज, बस में चेंज हो गया, वाह। तो गाइस हम लोग सिटी एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो आप लोग सिटी में घुस चुके हैं अब अंदर, और इससे अच्छा है मतलब ये सिटी तो आ गए हैं लेकिन उतना क्राउड नहीं है यहाँ पर, आगे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो कुछ बोलना चाहते हैं सर? आगे चलते हैं गाइस, हो सकता है आज गुपचुप खाने का प्लान बन रहा है, अगर मिल जाता है जाते जाते रोड में तो खाएंगे। गुपचुप खाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर भी खाएंगे, खोज के खाएंगे लेकिन खाएंगे, लेकिन आज खाना है गुपचुप। आज प्लान बन गया है गुपचुप खाने का, मूड है तो खाएंगे, मतलब खाएंगे। तो चलो चलते हैं गाइस सिटी में, देखते हैं गुपचुप वगैरह। तो गाइस हम लोग अभी गुपचुप दुकान पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग ये वाला दुकान है गुपचुप दुकान। तो गाइस हम लोग गुपचुप वगैरह खा के अब आ चुके हैं गर्ग हार्डवेयर में आ चुके हैं, देख सकते हो बहुत ही बड़ा है। आप जाओ बोलना, लाइन धागा देना मजबूत वाला, तात रस्सी वाला, बड़ा सा मोटा वाला देना बोलना, ठीक है? कितना साइज, कितना मतलब लंबा? 100 मीटर छे लंबा, 100 मीटर। तो गाइस ये गर्ग हार्डवेयर से लाया हूँ और देख सकते हो आगे अच्छा व्यू है। चलते हैं कार के पास, यही सामान है, इसमें पूरा धागा है जो सिविल काम में आता है, उसे लेकर जा रहा हूँ। और ये अपना बलेनो यहाँ पर है, चलते हैं अब अंदर। ये ले भाई यही वाला, सीधा एक डिब्बा लाया हूँ ना। चलो ठीक, ये वाला डाल ले। तो चलो चलते हैं गाइस अभी और सामान लेना है। तो ये है रायगढ़ का ओवर ब्रिज जो कि है, इसके नीचे पूरा ट्रेन का रास्ता है और प्लस इधर सिग्नल भी चलता है, जो कि इसको जीते ने एक बार तोड़ दिया है गाइस। अगर थोड़ा भी आया चलान तो उसी के नाम पे पक्का फटेगा। और ये फल मंडी है कुछ आगे लगा है। तो आज हम लोग खाने में शायद हो सकता है तो मैगी बनाएंगे गाइस, ज़्यादा आज कंजट नहीं करना है क्योंकि बहुत थक गए हैं, इसीलिए सोच रहे हैं सबसे टिकाओ जल्दी जल्दी मैगी बना के अपना खा पी के आराम से आराम करेंगे आज। फिर कल भी अपना संडे है तो 2 बजे तक का साइड का पूरा हो जाएगा छुट्टी, तो अपन उसके बाद घूमने के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो तो आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो आगे आप बने रहें मेरे संग, और कैसा लगता है उसको कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में गाइस, इसी कारण बोल रहा हूँ। तो ये खुल चुका है और यहाँ पे हम लोग निकल लेंगे नीचे गाइस, इंडिकेटर भी दे दिए हैं, पूरा पूरा सही सही जा रहा है हम लोग का। और ये रायगढ़ सिटी बहुत अच्छा सिटी है गाइस, उसको तो आप देख ही रहे हो। अभी और सामान वगैरह लेना है गाइस, मतलब राशन का सामान पूरा लेना है जो भी है,
सब्जी वगैरह भी लेना है और राशन का भी सामान लेना है। चावल भी खत्म हो गया उसको। इसके ऊपर से जाता है गाइस ट्रेन और इसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। और ये आगे से अपना रास्ता है गाइस, और रास्ते को क्लियर करने के लिए थोड़ा तो चलना पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग सब्जी मंडी में आ चुके हैं, यहाँ से कुछ हरा सब्जी वगैरह लेते हैं पार्किंग करके, फिर निकलेंगे घर। नहीं, किराना सामान भी लेना है, राशन पानी। तो अभी फिलहाल लेते हैं सब्जी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कॉलोनी में, एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो। अभी दीपावली अभी अभी गया है, इसके चलते अभी पूरा लाइटिंग है, देख सकते हो। कॉलोनी मस्त लग रहा है लाइटिंग के कारण। तो चलो चलते हैं अपने रूम में। तो गाइस अभी घर वर तो पहुँच गए हैं, और पूरा सामान वगैरह को सब में शिफ्ट कर दिए हैं, मतलब चावल वाला पूरा सब चावल वगैरह जो जो आम था वो कर लिए। अब फ्रेश होके आते हैं मस्त मुँह कान धो के, और पूरा देख सकते हो कितना डस्ट है। तो फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद मैगी बनाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। वैसे तो भूख भी नहीं लग रहा है आज, क्योंकि गुपचुप वगैरह बहुत सारा खा के आ गए हैं, और मैं और मोहित बस हैं। मामा लोग तो चले गए हैं रायपुर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली अभी फ्रेश होके आ गए, मस्त नहा वहा के मस्त। अब चलते हैं, मैगी बना रहे हैं उसको देखने के लिए कितना बन गया क्या है। मैगी बना रहे हैं आज, तो खाने का कुछ मन नहीं था खाना वगैरह, तो सोचे कुछ मैगी बना लेते हैं टाइम पास, खा लेंगे और सो जाएंगे मस्त। तो चलो चलते हैं। तो भाई क्या क्या बन रहा है? मैगी बना रहा हूँ मैं। हाँ मैगी का कुछ ये रहा, थाली में टमाटर वमाटर कटा है, टमाटर है, प्याज और मिर्ची और धनिया। और मैगी उधर उबल गया क्या? मैगी सब उबाल दिया हूँ, थाली में पूरा रखा है, तेल गरम हो रहा है अपना। और यहाँ मटर भी रखा हूँ मैगी के लिए। मटर भी है, हरा मटर आज मंडी में मिल गया, मार्केट था अच्छा। अब देखते हैं कैसे बनता थोड़ा इसका आगे का कुछ प्रोसेस दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों हमारा मैगी फाइनली बन चुका है, और देख सकते हो ये अभी टेस्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। वैसे तो टेस्टी बना है, और देख सकते हो गाइस खतरनाक मटर वटर सब डला है, हरा मटर है। मंडी में आ गया है हरा मटर, तो हम सोचे ले लेते हैं थोड़ा, तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। तो इसको खाना चालू करते हैं, इसको निकालते हैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। देखते हैं भाई। पहले बस खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का, पेट भर जाएगा तो फिर बस चलिए देखते हैं, खा के टेस्ट करिए। चल पहले आप टेस्ट करिए। मैं तो कर लिया हूँ, बहुत ही अच्छा है। चम्मच दिए गाइस। तो ठीक है गाइस, फिर खाना मतलब खाना तो नहीं, ये मैगी वैगी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस आज है दूसरा दिन, और मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और ब्लॉग को अभी एंड करते हैं। कल खाना वाना खाए वही मैगी वैगी, उसके बाद सीधा सो गए, कुछ एडिट वगैरह भी नहीं किए, अभी एडिट करके अब अपलोड करूँगा सीधा। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।